अपना भाग्य तुम स्वयं ही लिखते हो। तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा, इसकी रूपरेखा खींचने वाले तुम स्वयं हो। जो समय बीत गया वह तुम्हारी मुट्ठी में नहीं है, जो समय बीतेगा वह तुम्हारे ही नियंत्रण में है। व्यक्ति अपने भाग्य का विधाता स्वयं बनता है। जब वह अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपना गुलाम बनाकर अपने भविष्य का निर्धारण करता है और उसी के लिए कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति के साथ वही होता है जो वह सोचता है। उसे वही मिलता है जो वह चाहता है। दुनिया इसके लिए वही सोचती है जो वह लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि वही सच्चा योद्धा है जो जन्म के समय लिखे अपने भाग्य को कसूरवार मानकर कायर के भांति बैठ नहीं जाता। किंतु ऐसे लोग केवल 1% ही होते हैं जो अपने हाथ में खिंची लकीरों को अपने कर्म की लकीरों से बदल देते हैं, जो अपनी कुंडली के भरोसे ना बैठकर समाज में अपनी ऐसी मंडली बना लेते हैं जो उनके अनुसार कार्य करे। यदि आज तुम हार गए हो, थक कर चूर हो गए हो या तुमने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी तुम्हारे पास एक बहुमूल्य चीज है जो इन सब से कहीं ऊपर है। तुम्हारे पास वह उम्मीद है जो कहती है तुम्हें सब कुछ वापस मिलेगा और दुगनी मात्रा में मिलेगा। धन, संबंध, प्रेम, जो कुछ भी पाया तुमने इस संसार में आने के बाद ही पाया था, और यदि तुमने कुछ खोया है तो इसी संसार में खोया है। फिर विलाप किस बात का करते हो? मेरे जीवन में जो हुआ उसका कारण वह व्यक्ति है। यदि वह ऐसा ना करता तो वैसा ना होता। आखिर कब तक तुम दूसरों को कसूरवार ठहराकर अपने कर्तव्य से भागते रहोगे? तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आते हैं उनके आने का विशेष कारण है। जो तुम्हारा सहयोग करते हैं वे तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। वही जो लोग तुम्हारा विरोध करते हैं या तुमसे नफरत करते हैं वे तुम्हें जीवन में तजुर्बा देते हैं और ऊंची उड़ान भरने के लिए मजबूर करते हैं। जब व्यक्ति के चारों तरफ उसके समर्थक होते हैं तब वह निश्चिंत बैठकर कार्य करना छोड़ देता है, लेकिन जब उसके सामने एक भी विरोधी खड़ा हो जाता है तब वह पहले से अधिक सतर्क होकर कार्य करता है। व्यक्ति इस सृष्टि में सर्वोच्च स्थान तभी प्राप्त करता है जब उसके समक्ष विरोधी खड़े होते हैं, चाहे वह विरोधी मन हो या कोई व्यक्ति। जब तुम कुछ अलग कार्य करोगे तो उसका विरोधाभास होना स्वाभाविक है। इसी प्रकार जब तुम्हारे मार्ग में चुनौतियां आती हैं तो वह पुष्टिकरण करती हैं कि तुम सही दिशा में अग्रसर हो रहे हो। जिनके समक्ष कोई परेशानी नहीं वह गलत मार्ग पर है या चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे, क्योंकि जो आगे बढ़ेगा उसके मार्ग में उतार चढ़ाव आना तो स्वाभाविक है, किंतु जो मृत की भांति ही पड़ा रहेगा उसे सभी परिस्थितियां एक समान ही प्रतीत होंगी। इसलिए परेशानी से डरो नहीं, उसका समाधान करो। जो तुम कर रहे हो या जो तुम करना चाहते हो
उसका विवरण दूसरों से साझा करना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारे समक्ष मित्र है या शत्रु यह तुम नहीं जान सकते। अपनी योजनाएं गुप्त रखते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि अपने भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो। यदि तुम चाहो तो अपने आने वाले जीवन को स्वयं लिख सकते हो। तुम जैसा चाहो उसे वैसा मोड़ दे सकते हो, क्योंकि तुम जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, और जैसे बनोगे उसी के अनुसार कार्य करोगे। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम 99% लोगों के भांति भाग्य और हाथ की लकीरों के भरोसे बैठकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करोगे, या एक वीर योद्धा की भांति अपने परिश्रम की तलवार से अपने भाग्य को फिर से लिखोगे। यह निर्णय सिर्फ तुम्हारा है।